हेलो एवरीवन, टुडे आई एम हेयर टू मोटिवेट ऑल माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स फ्रॉम लाइफ। दोस्तों, मेनी अ टाइम इट्स हैपन इन लाइफ, व्हाट वी एक्सपेक्ट वी डोंट गेट। समटाइम्स वी गेट बॉग डाउन, समटाइम वी गेट डीमोटिवेटेड, समटाइम यू नो व्हाट इट हैपन्स इन लाइफ। कि आपने जो सोचा कि ऐसे मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे मुझे नहीं मिले, ऐसी जॉब मैं चाहता था मुझे नहीं मिली, तो सर ऐसा मैं सोच के चलता हूँ कि आज का ये सेशन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हेल्प करेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो जाने बे मंजिल कदम बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की मंजिल को पा नहीं सकते। दोस्तों, ये शायरी हमें ये चीज़ याद दिलाती है कि जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस करके चल नहीं सकते, या जो डेली लड़ नहीं सकते अपने सपनों के लिए, वो अपनी मंजिल को भी पा नहीं सकते। तो दोस्तों, आज के सेशन में छोटी सी एक महान इंसान, मतलब उतना हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन की स्टोरी बताऊंगा आपको। और मेरा ये सब मानना है कि ये स्टोरी देखने के बाद आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा और ऐसा एक फील होगा कि एक्चुअल में ये बंदा कितनी बार फेल हुआ और इसने हिम्मत नहीं हारी, तो मैं कौन होता हूँ हारने के लिए। हाँ दोस्तों, इनका नाम है अब्राहम लिंकन, 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। दोस्तों, के चार बच्चे हुए, उनमें से दो पहले ही मर गए। क्योंकि पहले ऐसा होता था दोस्तों कि मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो लोगों की मौत जल्दी हो जाती थी। बड़ा झटका इन्हें तब लगा जब इनका एक बेटा 18 ईयर्स ओल्ड पे मरा। उनकी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स हैं, बहुत मतलब कदम कदम पे फेलियर्स है। नहीं, जो अभी मैं आपको बताऊंगा उनके किस्से फेलियर्स के, कितने फेलियर्स आए, उन्होंने प्रॉब्लम फेस किया। एडमिशन नहीं मिला सर उनको लॉ कॉलेज में, एडमिशन के लिए गए थे। उन्होंने लोन लिया था बिजनेस के लिए, वहां पे उन्होंने लॉस फेस किया और इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट मीन्स नो मनी, नो कैश। जॉब के लिए गए, वहां से भी उनको निकाल दिया गया और 8 बार इलेक्शन के लिए खड़े हो गए और 8 बार हारे। सर आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब क्या मेंटल स्टेटस होगा उनका, यहाँ उनकी बुद्धि स्थिति क्या होगी। इतने बार फेल होने के बाद भी उन्होंने मतलब हिम्मत नहीं हारी। तो सर उनके फेलियर्स आपको बताता हूँ मैं। 21 ईयर ओल्ड उन्होंने अपने फादर को छोड़ दिया। 1832 में उन्हें जॉब से निकाल दिया। 1833 में उन्होंने लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ठप पड़ गया, इंसॉल्वेंट पड़ गया। 1835 में उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के चली गई। ऐसा होता है सर, करीबी कभी छोड़ के चले जाता है तो बहुत दुख होता है। तो 1836 में वो फॉल इन डिप्रेशन चले गए। 1843 में उन्होंने अपनी ही पार्टी से नॉमिनेशन भरा और नॉमिनेशन में वो नॉमिनेट नहीं हुए, ओन पार्टी ना दोस्तों। 1848 में सेकेंड टाइम उन्होंने खुद की पार्टी से फिर खड़े हुए, फिर ने हार गए। 1854 में सीनेट का इलेक्शन था, उसमें भी वो हार गए। सीनेट जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस लोअर हाउस होता है, वहां पे अमेरिका में सीनेट होता है और कांग्रेस होती है, तो सीनेट उनका अपर हाउस होता है। 1856 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हार गया। सेकेंड सीनेट 1858 में हार गया। फिर 1861 में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। दोस्तों, ये टाइमलाइन अगर देखो तो उन्होंने कहीं भी ऐसा आपको दिखेगा कि गिव अप किया नहीं, पता नहीं क्या जज्बा रहा होगा उनका। उन्होंने सोचा कि खींचता हूँ और कोशिश करता हूँ और एक फाइट देता हूँ, चलो यहाँ अपनी पार्टी से नहीं खड़ा हुआ तो सीनेट के लिए खड़ा होता हूँ, यहाँ नहीं तो वहाँ, यहाँ नहीं तो वहाँ। और उन्होंने एक एग्जांपल सेट किया। सर ये मैंने बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर ने भी इनकी स्टोरी ली है और अपने यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाए। अब बात व्यूज की नहीं है दोस्तों, अब बात है इनसे सीखने की। किस तरह क्या था सर, आज बॉलीवुड में नेपोटिज्म नेपोटिज्म सब चल रहा है सर, सब जगह है कि यहाँ मेरा फेवरेटिज्म चल रहा है। लेकिन सर देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल है, गिव अप नहीं किया और लास्ट डटे रहे। उनको पता नहीं था कि प्रेसिडेंट बनूंगा नहीं बनूंगा, कुछ नहीं था सर, जो काम हाथ में आया वो किया। उनका एक बहुत ही अच्छा कोट है, व्हेन आई कोम्ब माय हेयर आई कोम्ब माय हेयर। दोस्तों कैसा होता है, आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में हमारे फोन ने हमें काफी डोपामिन दिया है ब्रेन में और हमें एब्सेंट माइंड रखा हुआ है। एब्सेंट माइंड मतलब हम कर कुछ और रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है हमारा।
तो ये कोट अब लागू होता है, उस समय भी होता होगा सर, तभी तो ये कोट आया, व्हेन आई कोम्ब माय हेयर आई कोम्ब माय हेयर, जब मैं एक काम कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ वो ही काम कर रहा हूँ और कोई काम नहीं कर रहा। सर जैक इन ऑल मास्टर इन नन। तो सर इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने अपनी लाइफ से हम लोगों को यही दिया, इंस्टेंट सक्सेस दैट वी सी सराउंडिंग आर, और यूट्यूब में देखते हैं कि आज इसने ये किया तो सक्सेस मिल गया, सर मिथ है सर, सब मिथ है। ये 1 करोड़ 1 करोड़ में से 1% किसी का होता होगा सर। लाइफ इज इन लर्निंग प्रोसेस, सक्सेस आपको चाहिए तो आपको लर्न लर्न करते रहना पड़ेगा, रोज लड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाए। ट्रू सक्सेस कब है, जब आप कीप मूविंग था मूविंग करते। सर एक कोट है मार्क ट्विन का है आई थिंक श्योर, इफ यू कांट रन वॉक, इफ यू कांट वॉक क्राउल, बट सर कीप मूविंग। मेंटल टफनेस टू डाइजेस्ट योर फेलियर एंड मूव ऑन। सर इनके फेलियर लाइफ में कितने सारे थे, उन्होंने वो सारे फेलियर्स को डाइजेस्ट किया, एक्सेप्ट किया। हम तो हमारी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया, क्योंकि सर आप किसी चीज को कभी एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि ये मेरी गलती फिनिश, तो सर आप कहीं ना कहीं ये बोल देते हो कि ठीक है चलो अभी गलती है, अभी इसका सलूशन क्या है। आप उस पर बैठ के झगड़ते नहीं हो, आप उस पर सोचते नहीं हो बैठ के कि ये प्रॉब्लम क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। सोल्यूशन सर, क्योंकि प्रॉब्लम से आप तभी बाहर आओगे जब आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, रोते बैठोगे छोड़ दोगे तो आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं सर, देख लीजिए कुछ आपके मतलब वैसे ही होंगे जिन्होंने गिव अप जल्दी कर दिया। लास्ट में एक ब्यूटीफुल लेसन का मैं छोटा सा मतलब उनके कोट से फिनिश करना चाहूंगा, दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्फ। दोस्तों क्या हुआ था, जब अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला तो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों कैपिटलिज्म आया। कैपिटलिज्म बेसिकली ये होता है कि इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। दोस्तों क्या होता है, जब आपके पास पैसा आता है तो आप खुद को एजुकेट करते हो, खुद के बच्चों को एजुकेट करते हो, और आप लिबरल बनते हो। लिबरल इन द सेंस आपको राइट्स पता होते हैं कि किसको क्या राइट्स हैं, किसको हरास नहीं करना, क्या चीज़ें सही है क्या चीज़ें गलत है। और साउथ अमेरिका में दोस्तों फार्मिंग था, आज भी है, ब्राज़ील पूरे वर्ल्ड में बनाना जो है अपना केला जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वैसे बहुत सारे चीज़ों में ब्राज़ील आगे है, उसी तरह हर एक कंट्री साउथ अमेरिका की आगे। तो साउथ अमेरिका में दोस्तों स्लेव्स चलते थे। एक मूवी है दोस्तों बहुत बेहतरीन मूवी है, 12 Years ऑफ स्लेव्स, उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह साउथ अमेरिका में लोगों को हरास किया जाता, स्पेशली ब्लैक लोगों को, जो आज भी देखा जाता है रेशियलिज्म अमेरिका में। तो जो अब्राहम लिंकन थे उन्हें बचपन में उनके फादर साहब स्लेव की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि अमेरिका में उन दिनों में बच्चों को मारना समझते थे कि इट्स अ गुड, तो उन्हें बहुत हरास किया जाता था, उन्हें बहुत तकलीफ दी जाती थी, तो उनको बचपन से स्लेवरी से सख्त नफरत थी। तब वो जब वो आए तो उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट भी फाइट की, और अमेरिका के सिविल वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और स्लेवरी को हटा दिया अच्छे से साउथ अमेरिका के। तो उसी तरह ये स्टोरी ये कोट उन्होंने ही इस चीजों को बताया है कि दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्फ। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक्स अ लॉट दोस्तों, कीप सपोर्टिंग दोस्तों। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हम इसी तरह ये वीडियोस को लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।